हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बेस। अभी हमने रिसेंटली खत्म किया एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां से आपका आने वाला है पूरा 10 नंबर का। और ये जो रिटायरमेंट चैप्टर आपका, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, हो सकता है छोटा क्वेश्चन भी आ जाए। तो 5 नंबर तो फिक्स आना है। रिटायरमेंट के ऑप्शन में आएगा आपका डिजुलेशन, तो दोनों चैप्टर से सीख लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। आपके पास चॉइस होगी, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। तो पहले समझो चैप्टर के बारे में, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है, मतलब जा रहा है, तो एक पार्टनर के जाने से के वजह से वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे फर्क पड़ेगा, वो हमें पढ़ना है। देखो, रिटायरमेंट मीन्स जाना, तो जाएगा तो क्या क्या करना पड़ेगा वो सब आपको पढ़ना है। तो पहले समझ लेते चैप्टर में क्या क्या चीजें मिलने वाली आपको पढ़ने को। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की अगर बात की जाए, तो देखो ये सब चीज आपको दिखेगी यहां पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। तो मैं एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लूं आपसे बातें। तो देखो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब तो आप समझ ही गए कि क्या है। एक पार्टनर पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यू चलती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा, बस एक पार्टनर जा रहा है। तो देखो, एक पार्टनर जब जाएगा, सपोज करो एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर है और एक बंदा रिटायर हो गया, तो जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता, फ्यूचर में अब वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी उनका आपस का रेशियो बदलेगा। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और दूसरा गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि जाने के बाद से चेंज जो हुआ तो किसने कितना गेन किया, किसने कितना सैक्रिफाई किया। तो हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, और आज हम इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे गुडविल की कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसे कहा जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जिसे कहा जाता है, ये टॉपिक भी हम आज ही खत्म करेंगे। तो पहले ये 2 टॉपिक हमारे आज के टारगेट है जो हम आज खत्म करने वाले हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके अलावा भी और चीजें पढ़नी है आपको, तो इसके अलावा पढ़ेंगे हम रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर आपको याद होगा, फर्स्ट टर्म में आपने एडमिशन में भी पढ़ा था रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसके लिए आप अकाउंट बनाते थे, रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो वही चीज हम यहां पे करेंगे, सेम टू सेम वैसा ही है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको लगेगा कि सर आप तो फर्स्ट टर्म जैसा ही पढ़ा रहे हो, तो बिल्कुल 100% वही है। अगला, रिजर्व और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेम काम हम एडमिशन में भी करते थे, वैसा ही यहां पे भी करना है। अगर किसी बच्चे ने एडमिशन, मतलब फर्स्ट टर्म का एडमिशन पढ़ रखा, वो उसको याद है, तो ये चैप्टर तो आपको एकदम हवा हवा में लगेगा कि लगेगा सब कुछ तो वैसे ही, मतलब 90% एडमिशन जैसा ही है, 10% बस थोड़ा सा चेंज आएगा, वहां बंदा आ रहा था, यहां बंदा जा रहा है, तो आने जाने का बस झोल है, बाकी सारा काम तो सेम है। ठीक है, अगला हम रिटायर को, रिटायर अगर कोई पार्टनर होगा तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि जब वो जा रहा है तो उसके हिस्से में कितना पैसा बन रहा है जो हमें उसे देना है, तो ड्यू अमाउंट निकालना, उसकी पेमेंट करना, और लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट, जो टॉपिक आपके इस बार हट चुका है, तो ये हम आखिरी टॉपिक तो पढ़ने वाले है ही नहीं। तो इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा जो अभी का टॉपिक है हम जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो कुल 3 टाइप है, मैं टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की टाइप फर्स्ट की अगर बात की जाए, तो देखो ध्यान समझना। टाइप फर्स्ट, सपोज कर ऐसे दिया है, लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3-2-1, और फिर लिखा जेड रिटायर, बस सिंपल इतना ही लिखा है। एक्स वाई जेड पार्टनर से 3-2-1 का रेशियो था, जेड रिटायर हो गया। अब बोला बताओ न्यू रेशियो, कुछ नहीं, जेड को ढक दो, क्या दिख रहा है तुम्हें? तो सर हमें दिख रहा है 3-2, बस यही नया रेशियो एक्स वाई का, 3:2। वही मान लो वाई रिटायर हुआ होता तो कौन बता, एक्स और जेड, तो वाई को ढक दो, तो 3:1। तो यही आपका टाइप फर्स्ट, जो बंदा गया उसको मिटा दो, रेशियो बन गया। कभी कभार इसके क्वेश्चन इस वैरायटी से आता, मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर, इसका शेयर है 1/5, इसका 4/10, इसका 2/5 मान लो। ठीक है, तो देखो इस नीचे 10 है, इसका नीचे इक्वल नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये देखो कितना हो गया, 2/10, 4/10, 4/10। अब देखो नीचे बेस इक्वल है ना, अब मान लो एक्स रिटायर हुआ तो नया रेशियो 4:4, यानी 1:1। वाई रिटायर हुआ होता तो 4:2:4। मतलब क्या है, एक चीज बात ध्यान रखना, अगर आपका नीचे का बेस इक्वल नहीं दिया और ये फर्स्ट टाइप है, तो पहले आपको बेस इक्वल करना पड़ेगा, फिर आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो। तो टाइप फर्स्ट में सिंपल ही है, एक बंदा गया जो रिटायर हुआ उसको गोली मारो, मतलब उसका शेयर मिटा दो, नया रेशियो आपका बन गया, दैट इज टाइप फर्स्ट। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड पे। तो अगर मैं बात करूं टाइप सेकंड की, तो टाइप सेकंड, यहां समझना, मान लो लिखा x
वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो और जेड रिटायर एंड गिव इज इंटायर शेयर टू एक्स, मतलब जेड जाते वक्त उसने अपना सारा शेयर किसको दे दिया भाई, तो एक्स। देखो कितना सिंपल है, सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन है ओल्ड पार्टनर भाई, जो बचे है, तो एक्स वाई, पहले का है 3/6, दूसरे का 2/6, क्योंकि 3:1 है तो 3/6, 2/6, 1/6 होता है, एक्वायर फ्रॉम जेड, तो देखो जेड का शेयर कितना 1/6, यही तो जेड का शेयर है, अब वो किसको देके जा रहा है भाई, तो एक्स को, वाई को तो उसने कुछ दिया नहीं, तो हम निकाल लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो 3/6 पहले से था, 1/6 और मिल गया यानी 4/6, और जो वाई है उसका 2/6 था, 2/6 ही रहेगा, तो 4:2 या 2:1, ये आपका नया रेशियो आ गया। मतलब सेकंड टाइप में क्या सिंपल है कि वो एक किसी एक बंदे को देके जा रहा है, तो जिसको देके जा रहा है हम उसमें जोड़ देंगे, देखो एक्स को वो देके जा रहा था, तो एक्स में हमने देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो वो बंदा एक्स को देके जा रहा था अपना शेयर, तो जेड का शेयर कितना है 1/6 है, और किसको देके जा रहा है, तो भाई वो एक्स को देता था, हमने एक्स में जोड़ दिया, वाई का जैसा था वैसे ही रह गया। तो ये टाइप सेकंड, वो किसी एक बंदे को देके जाएगा, तो जिसको देके जाएगा उसमें जोड़ दो, नया रेशियो आपका निकल गया, सिंपल लग रहा होगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं टाइप थर्ड, टाइप थर्ड की अगर बात की जाए तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन लेते हैं, मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो और जेड रिटायर, और जाते वक्त अपना शेयर वो एक्स और वाई को देके जा रहा, मान लो 1:2 में, कोई भी रेशियो हो सकता है, 1:2, 2:1, 1:1, मतलब दोनों लोगों को किसी एक रेशियो में देके जाएगा। अब देखो यहाँ कितना सिंपल है, पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थोड़ा ध्यान से समझना, ओल्ड पार्टनर कौन बचे, तो एक्स वाई, पहले वाले का है 3/6, दूसरे का 2/6, अब जो मैं पढ़ा दिखा रहा हूँ वो ध्यान से समझना, एक्वायर फ्रॉम जेड, तो देखो जेड का शेयर कितना है भाई, तो ये है जेड का शेयर 1/6, जो कि वो दोनों को 1:2 में देके जा रहा है, तो उसने एक्स को कितना दिया होगा, तो अपने शेयर का 1/3 उसका शेयर है, 1/6 उसका 1/3 वो किसको देके जा रहा भाई, तो एक्स को, और अपने ही शेयर का 2/3 वो दूसरे वाले को देके जा रहा है, यानी पहले वाले को देके जा रहा है 1/18 और दूसरे वाले को देके जा रहा है 2/18, मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर बात, अपने शेयर यानी 1/6 का 1/3 पहले को, 1/6 का 2/3 दूसरे को, अब निकालो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अगर मैं बात करूं एक्स की, तो पहले से था 3/6 प्लस 1/18, एलसीएम लोगे 18, 9+1 यानी 10/18 हो गया, वाई की अगर मैं बात करूं तो वाई का पहले से था 2/6, अब मिल कितना गया भाई, तो 2/18, तो कितना हो जाएगा 18 एलसीएम, 6+3, 6+2 यानी 8/18, तो रेशियो बन रहा है 10, 8 या 5 और 4, न्यू रेशियो आ गया, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका टाइप फर्स्ट। थर्ड, इसके बाद अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता गेनिंग रेशियो, तो ध्यान समझना कुछ बड़ा तीन नहीं माना, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, आपसे पूछ सकता है, तीन ही टाइप है रिटायरमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के, पहला सिंपल, तीन बंदे देख गया उसको उड़ा दिया, दूसरे किसी एक को देके गया तो जिसको एक को देगा उसको जोड़ गया, ये तीसरा दोनों को देके जा रहा था तो दोनों को देके जाते, देखो इतना इतना दिया उसने, ये पहले को दिया ये दूसरे को दिया, तो पहले को जितना दिया पहले में जोड़ा, दूसरे को जितना दिया दूसरे में जोड़ा, यहाँ निकल गया, इतने ये तीन ही टाइप है, इससे ज्यादा नहीं आपके। उसके बाद देखो आपसे अगर गेनिंग रेशियो पूछेगा तो फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, यहाँ मारो एक्स और वाई का अगर मैं निकालूं तो न्यू रेशियो क्या, ये रहा देखो, न्यू रेशियो 10/18 8/18 और ओल्ड रेशियो क्या भाई, तो 3/6 2/6, सॉल्व करना आपका गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको इसमें। तो यही आपका टाइप थर्ड, और इसके बाद गेनिंग रेशियो आपसे पूछ सकते, तीन ही टाइप है बस। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको इससे रिलेटेड, जैसे आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा हो, तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले स्वर्ण पे क्या लिखा है, लिखा है गीता राधा एंड गर्व आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5, 1/10, बोला फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ जी रिटायर। देखो ध्यान से समझना, पार्टनर कौन है, जी गीता राधा और गर्व, इसका नाम अलग से लिखते हैं, रेशियो पहले का 1/2 है, दूसरे का 2/5 है और तीसरे का 1/10 है, और ये हो गया रिटायर। अगर आप ध्यान से देखो किसी को भी देखे नहीं गया, ना एक ना दो कुछ बोला नहीं गया, तो ये कौन सा टाइप फर्स्ट है। दिक्कत ये है कि इक्वल नहीं है रेशियो भाई, तो मैंने एक बार बताई थी कि अगर रेशियो इक्वल नहीं होगा नीचे का बेस सबका इक्वल होना चाहिए, इक्वल कर लेंगे तो इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 5/10, 4/10, 1/10, बेस इक्वल, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। अब क्या हुआ,
तो भाई ये जी रिटायर हो गया, तो इसको गैप कर दो, तो नया रेशियो क्या बन गया, 5 और 4, खत्म। टाइफस था, टाइफस लगा आंसर, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होगा, ये आपका टाइफस था, टाइफस हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें देखो क्या लिखा है, तो लिखा है कुमार, मतलब के है लक्ष्य एंड लक्ष्य एम और एन, ये चार पार्टनर है, रेशियो 3-2-1-4, कुमार रिटायर, के रिटायर हो गया भाई, एंड हिज शेयर वर टेकन भाई एल एंड एम, ये सिर्फ दो ही बंदों को देखे जा रहा है, इन दोनों को देखे जा रहा है, किस रेशियो में, 3-2 में। तो बोला कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, देखो निकाल लेते, पहले तो लिखो ओल्ड पीएसआर, तो कौन कौन बंदे हैं भाई, तो एल एम और एन है, ओल्ड रेशियो इसको इसका कितना 2/3, 2/5, 6/4, 10 है ना, तो 2/10, 1/10 और 4/10 एक्वायर फ्रॉम के, तो देखो के का शेयर है 3/10, तो पहले वाले को दे रखे दे रहा हूं 3/10 का 2/5 और दूसरे वाले को देके जा रहा है 3/10 का 2/5 को, और तीसरे वाले को देके जा रहा है 0/सन्नाटा, तो तीसरे लिखना ही नहीं है, तो पहले को 9/50, दूसरे को 6/50 और तीसरे को क्या दे रहा भाई, तो 0/सन्नाटा, तो तीसरे में तो लिखना नहीं है। अब निकाल लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस टाइप थर्ड है, दो बंदों को दिया, दो में लिखो, तीसरे मत लिखो, एल का देखो पहले से था 2/10 + 9/50, तो एलसीएम हो जाएगा 50, 10/50, 10+9, 19/50। एम की बात की जाए तो पहले से था 1/10 और देखे कितना गया वो 6/50, 50 हो जाएगा एलसीएम, तो 5+6 = 11/50। और तीसरे अगर मैं एल एन की बात करूं तो इसका शेयर था 4/10, कुछ तो दिया नहीं, तो इतना ही रहेगा। अब देखो बेस इक्वल करना पड़ेगा रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए, तो इनका है भाई 50 50, तो इसको भी कर दो 50, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 20/50, तो गया 19, 11 और 20, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। दूसरा पूछा है गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखो अगर मैं एन का निकालू तो एन का तो 0 आएगा, इन दोनों का निकलेगा, एल निकाल लो, देखो एल का निकालेंगे तो देखो ओल्ड कितना है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है 19/50 - 2/10। सॉल्व करना आंसर, एम का निकालेंगे तो 11/50 - ओल्ड कितना है 1/10, और अगर मैं एन का निकालूंगा तो 20/50 - 4/10, इसका तो 0 आएगा, सॉल्व करके देखना, इन दोनों का जो आएगा निकाल लेना, गेनिंग रेशियो ये फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है बात। तो ये भी एक क्वेश्चन था जिसमें दो लोगों को देखे जाते, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके। अब इसमें देखो क्या क्या बोला हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखो तो लिखा है, ध्यान समझना, लिखा है ABC पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट 4-3-2, सी रिटायर हो गया भाई, रिटायर कर दो, एंड ए को देख, सी रिटायर हो गया, अपने ए को दे रहा 4/9 दे रहा है ए को, देखो ध्यान से लिखा है रिमेनिंग टू बी, देखो अगर एक बात समझो, ये मान लो टोटल शेयर होता सी का, इसका 4/9 ए को दे रहा है, तो रिमेनिंग भाई कितना बचेगा, 5/9 ही तो बचेगा, अगर एक को देता 1/3 तो दूसरा कितना बचेगा 2/3 तो बचेगा, तो वही लिखा है कि एक को 4/9, तो आप इतना नहीं करना कि पहले 4/9 निकालो फिर उसके शेयर में से घटाओ फिर दूसरा निकालो, सीधा सा कॉन्सेप्ट 4/9 पहले का है तो रेस्ट कितना बचेगा 5/9 दूसरे को, यानी 4:5, तो ये क्या हो गया आपका टाइप थर्ड, मगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि ए बी सी पार्टनर 4-3-2 का रेशियो, सी रिटायर 4:5 में देखे जा रहा है, तो टाइप थर्ड है, सॉल्व करना आपको आता ही है, तो याद रखना कभी बोलेगा ना रिमेनिंग, जैसे पहले का दिया होता इसमें लिखा था 4/9 और रिमेनिंग तो 5/9, अगर लिखा होता 1/4 रिमेनिंग तो 1 तो 3/4, 1/6 तो रिमेनिंग 5/6, 2/9 तो रिमेनिंग 7/9, तो रिमेनिंग वाले कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना, और टाइप थर्ड ही है तो टाइप थर्ड आपको लगाना आता ही है, टाइप थर्ड लगाना, सॉल्व करना आंसर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं कर लोगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या है, आपको यहाँ पे निकालना है क्या न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, तो दो चीज निकालो और मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद ही करना है, मैं समझा देता हूं, इसमें चार कंडीशन है, पहले क्या है ओम राम एंड शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 4-3-2, इनका रेशियो दिया ओल्ड, राम हो गया भाई इसमें से रिटायर, पहला है कि राम इज गेयर
राम गिव्स हिज शेयर ओरिजिनल रेशियो. ओरिजिनल रेशियो का मतलब होता है टाइप फर्स्ट. तो टाइप फर्स्ट में राम हटा देना तो 4:2 या 2:1 आ जाएगा फर्स्ट टाइप. दूसरा क्या लिखा है, राम गिव्स प्रोपोर्शन, कैसे इक्वल प्रोपोर्शन, यानी 1:1 तो टाइप थर्ड, 3:1 टाइप थर्ड, और ओनली ओम तो टाइप सेकंड. तो चार क्वेश्चन इसके अंदर, चारों बत करना है आपको, करो आंसर देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि सर इसका ये आंसर आया, क्लियर बात. तो ये भी आपका एक मेरी तरफ से क्लास वर्क है आपके लिए, आपको इसकी पीपीटी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसको करना आपको, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की. तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखो, ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. एक बंदा रिटायर हो रहा है, तो अगर कोई बंदा रिटायर हो रहा है तो फिर उस केस में क्या होगा, तो जो भी गुडविल का पैसा है वो अपने हिस्से का लेके जाएगा, तो उसकी एडजस्टमेंट्स करनी होगी. तो देखो दो एंट्री यहां पे हम पढ़ने को मिलेगी आपको. पहली, इफ गुडविल अपेयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, यानी अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपेयर है तो इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. तो गुडविल अपेयर की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, और कौन से रेशियो में बढ़ता भाई ये, तो ओल्ड रेशियो में. तो ये एंट्री तभी होगी जब गुडविल अपेयर होगा, मतलब ऑपर्चुनिटी हो भी सकती नहीं भी हो सकती, अपेयर है तो करनी है. दूसरी एंट्री एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और इसकी एंट्री होती है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की जो एंट्री होगी होगी आपकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है. तो ये एंट्री कंपलसरी होगी, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. देखो जो बंदा रिटायर हो रहा है वो तो सैक्रिफाई करो हमेशा क्रेडिट होगा, बाकी जो जो गेन करेंगे वो डेबिट होंगे, एक एंट्री है. और दूसरी एंट्री है जो एडजस्टमेंट मतलब अपेयर होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दो ही एंट्री है. अब क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड, देखो ये एंट्री कंपलसरी होनी होनी है, ये एंट्री अगर अपेयर है तो करनी है वरना करने की जरूरत नहीं है. मैं कुछ एग्जांपल फॉर क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो क्या दिखा हुआ है. तो क्वेश्चन समझते हैं, लिखा है सुनील शाहिद एंड डेविड, पहला सुनील S1 कर देते हैं, शाहिद S2 और डेविड शेयरिंग रेशियो 4:3:2, इनका रेशियो 4:3:2 का है. देखो यार फिर लिखा है शाहिद रिटायर, मतलब सेकंड S2 रिटायर हो गया, एंड गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल दे रखा, गुडविल ऑफ फर्म कितना भाई, तो 72,000 है गुडविल ऑफ फर्म. और बोला कि शाहिद रिटायर हो तो गुडविल की एंट्री पास करो, जबकि न्यू रेशियो दिया है 5:2, लिखा ना गुडविल ऑफ डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर, नया रेशियो दिया हुआ है. देखो सबसे पहला काम निकालो गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो देखो S1 का निकलेगा यानी साहिल का, सुनील का निकलेगा और डेविड का निकलेगा. तो ओल्ड रेशियो की न्यू रेशियो कितना, 5:8, 3:8, और ओल्ड रेशियो कितना भाई, तो 4:9 और 2:9. तो देखो कितना आ रहा है, 72 45 - 32 13/72. गेनिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना यहां, 27 - 16. आपको इसमें कोई दिक्कत हो गेनिंग रेशियो निकालने में, निकाल दिया हमने, दोनों ही गेन कर रहे हैं, एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी दोनों गेन है. तो S1 कैपिटल भी डेबिट होगा और डेबिट कैपिटल भी डेबिट होगा, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टी यानी S2 कैपिटल यानी साहिल कैपिटल, ठीक है. बात आती है वैल्यू कैसे लिखेंगे, ध्यान से बताना वैल्यू इसकी बात करते हैं. गुडविल ऑफ फर्म चाहिए आपको, गुडविल ऑफ फर्म है 72, S2 जो रिटायर उसका शेयर कितना था भाई, तो ये उसका शेयर 3, तो 3:9 कितना होगा, 9:24. इसका शेयर कैसे निकलेगा भाई, तो बहुत सिंपल, 72 गुडविल ऑफ फर्म और इसका शेयर कितना गेन है भाई, तो गेन आपने निकाला 13/72, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो 13/72, तो 13,000. ऐसे दूसरे का कैसे निकलेगा भाई, तो 11/72 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गुडविल ऑफ फर्म को, मेरा देखो 11/72, तो 11,000. इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया. तो वैल्यू लिखना सीखे, सीधे लिखना एंट्री करनी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अमाउंट कैसे, तो जो पार्टनर रिटायर हुआ गुडविल ऑफ फर्म में उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो, उसका शेयर आ गया, और बाकी जो जितना जितना गेन किया उसे मल्टीप्लाई करो, उनका शेयर आ जाएगा, खत्म. अब इसमें एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, मान लो इसमें किसी का यहाँ पे जीरो आ गया होता, जैसे सपोज करो S1 का जीरो आ जाता, जीरो मतलब ना गेन ना सैक्रिफाई, तो वो एंट्री में आता ही नहीं. मान लो किसी का माइनस में आ जाता, माइनस का मतलब है कि वो भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है गेन की जगह, तो वो भी क्रेडिट हो जाता. बस ये दो चीजें एक्स्ट्रा हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है. जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, एक और देखो यार क्वेश्चन आपके पास, फिर बाद में आपको लिख भी दूंगा.
देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, पी क्यू आर एस पार्टनर है, ध्यान समझना, पी क्यू आर एस पार्टनर है, समझ लेते इसको, 5:3:1:1 का रेशियो है। उसके बाद लिखा है एस रिटायर, एस रिटायर फ्रॉम एंड गुडविल, एस के टाइम के टाइम गुडविल ऑफ फर्म दिया है, गुडविल ऑफ फर्म कितना है 4,20,000 एंड न्यू प्रोसेसिंग रेशियो 4:3:3, नया रेशियो आपको दिया है। तो सबसे पहला काम गेनिंग रेशियो निकालो, पी क्यू आर का गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी 4/10, 3/10, 3/10, ये न्यू रेशियो है, ये रहा देखो, माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो रहा 5:3:1:1, रिटायर करूंगा भाई तो एस, तो ये गया गायब, तो 5/10, 3/10 और 1/10। देखो बहुत ही काम की बात है, देखो यहां ये माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब सैक्रिफाई, जीरो, नो गेन नो सैक्रिफाई, ये 2/10। तो देखो जो बात मैं बोलता हूं सब कुछ यहां पे आ गया, ये बंदा जीरो मतलब ना ही गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाई, तो अगर किसी का जीरो आ जाता है इसका मतलब वो गेन ना ही गेन कर रहा है और ना ही वो सैक्रिफाई कर रहा है, तो उस बंदे को हम एंट्री से ही गायब कर देते हैं, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एंट्री में एक गेन आता है और दूसरा सैक्रिफाई आता है। तो बाबा क्यों आपकी एंट्री बैन, क्योंकि आप ना ही गेन कर रहे हो ना ही सैक्रिफाई कर रहे हो, क्यों तो आएगा नहीं, तो क्यों को मार देते लाभ, आउट ऑफ द एंट्री, बच गए। ये देखो एस तो रिटायर हो रहा, तो एस तो क्रेडिट, ध्यान से समझना कैसे वैल्यू लिख रहा हूं, एस तो क्रेडिट हो ही गया, अब क्यू गायब हो चुका एंट्री से, क्यू, क्यू तो गायब हो गया, एस भी हो गया, बचे पी और आर, तो पी कर रहा है गेन, माइनस में आ रहा तो सैक्रिफाई कर रहा, तो पी को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था माइनस करेगा तो सैक्रिफाई हो जाएगा, और सिर्फ गेन करने वाला आर है तो आर हो जाएगा डेबिट, तो एंट्री होगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी और टू क्यू। बात वैल्यू कैसे, तो सीधा सा है, एस का शेयर आपको पता है गुडविल ऑफ फर्म कितना 4,20,000, और एस के शेयर के लिए मैंने बताया था कि जो बंदा रिटायर होगा उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेगा, तो उसका शेयर है 1/10, तो इसका तो आ गया 42,000, और बाकी उनके क्या बताया था मैंने, उनके गेनिंग से मल्टीप्लाई, तो पी के लिए गेन की जगह सैक्रिफाई है कितना भाई 1/10, तो पी का निकालेंगे तो 4,20,000 इंटू 1/10, तो इसका भी 42,000, ठीक है 4:20 × 1/10, और अगर बात की जाए आर की, तो आर का देखो कितना 2/10, तो आर का भी ऐसे निकलेगा 4:20 × 2/10, तो 84,000। इसी के साथ आपको क्वेश्चन खत्म, तो क्वेश्चंस करो, कोई परेशानी होती है आप मुझसे पूछ सकते हो, यहीं तक है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी मुझसे पूछना। एक और टॉपिक है मैं जैसे ऐसी बता देता हूं आपको, एक हिडन गुडविल का टॉपिक है यहां पे, हिडन गुडविल का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस जस्ट रिपीट कर देता हूं, लिख देता हूं बस, क्योंकि बहुत फालतू है यहां पे हिडन गुडविल। तो यहां पे हिडन गुडविल में क्या था, जैसे मान लो ए बी सी पार्टनर है, ध्यान से लॉजिक समझना, 3:1 का रेशियो, ये रिटायर हुआ, इसका हिसाब किताब लगाया 1,49,000 हो रहा है, लेकिन हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 1,60,000, तो अब उसको 11,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ये 11,000 उसका शेयर हो गया गुडविल में, और गुडविल का फर्म चाहिए, तो 11,000 उसके पीएसआर क्या 1/6 कर दो, तो 66,000 रुपए गुडविल ऑफ फर्म आ गई, और गुडविल ऑफ फर्म आने के बाद एंट्री तो आपके लिए पुरानी है, कर ही लोगे। तो कभी कभार एक क्वेश्चन हिडन गुडविल ऐसी होगा कि तीन पार्टनर, एक बंदा रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी पेमेंट बन रही थी इतनी, पर हमने पेमेंट नहीं की, ज्यादा करी होगी, तो जितना ज्यादा किया होगा उसके शेयर ऑफ गुडविल हो गया, उसके पीएसआर से मल्टीप्लाई करना, रेसिप्रोकल करके गुडविल ऑफ फर्म आ गया, अब गुडविल ऑफ फर्म के बाद तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपको पता है क्या करना होता है, तो ये भी एक टॉपिक है हिडन गुडविल का छोटा सा। तो देखो आज मैंने आपके दो टॉपिक खत्म कर दिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट गुडविल, इनके क्वेश्चंस करो, कोई परेशानी होती है तो कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया जाएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने हमारे इस कर्न सीरीज को आगे बढ़ाओ। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।